करते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? हेलो सर, वी आर फाइन सर। व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। आज हम सभी को अनुच्छेद पढ़ना है। अनुच्छेद में आपका जो भी प्रैक्टिस सेट हो आपकी बुक का ही है। अनुच्छेद कैसे पढ़ा जाता है ये आपसे पूछ रहे थे ना। तो अनुच्छेद तो बेटा बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। कम से कम आपके पास समय रहता है, 2 घंटे का समय रहता है, 80 क्वेश्चन करना रहता है। 80 में आपको मान लीजिए 20 क्वेश्चन का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 4 होते हैं। आप अनुच्छेद को बहुत ही सावधानी से ध्यान से पढ़ेंगे तभी बेटा वो समझ में आएगा। और उसके आंसर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आंसर उसी में छिपे होते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर उसमें नहीं होता, लेकिन कुछ अर्थ उसका निकलता है। मान लीजिए कोई अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद एक ही उसमें सेट में आपका पहला ये अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद एक मान लीजिए उसमें कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया कि वो अनुच्छेद में आपको सेम नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका अर्थ उसका आश्रय उसी अनुच्छेद में छिपा होता है और उसी से संबंधित 4 क्वेश्चन 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन आपके 5 होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, 4 उत्तर होंगे, उसमें से एक ही करेक्ट होगा। लेकिन आपको लगेगा, कभी कभी लगता है कि चारों ही करेक्ट है। तो उस अनुच्छेद को आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी उसमें पता चलेगा कि कौन सा आपको करेक्ट है, कौन सा आपका सही है बेटा। और बताने वाले या मतलब किसी से पूछिए तो बहुत सारे बताएंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग से करना है, अपने अपना माइंड लगा के करना है कि हाँ इसका आंसर ये नहीं ये होगा। चलिए शेयर किया जा रहा है। किया गया अनुभाग 3 में आपका है भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में पहला है, देखिए यहाँ पे दिया गया, पहले इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें सभी क्वेश्चन में, सभी प्रश्नों में जो भी अनुभाग होंगे उसमें देखिए ये निर्देश दिया रहता है। तो निर्देश रहता है बेटा, उसको बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या पूछा गया है। बहुत से बच्चे होते हैं, अरे ये तो अनुच्छेद ही है, इसको तुरंत अभी पढ़ के हम इसका आंसर दे देते हैं। या मान लीजिए मैथ का ही है, या आपका रीजनिंग ही है, मेंटल एबिलिटी ही है, उसमें पूछने से पहले जैसे यहाँ पे दिया गया 60 से 80, इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद हैं। आपको बताया कि 4 है ना, प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर है जिन्हें ए बी सी डी क्रम दिया गया है। इनमें से केवल 1 उत्तर सही है, आप सही उत्तर का चयन कीजिए। बेटा मेंटल एबिलिटी में भी होता है, मैथ में भी होता है। तो उसको क्या करना है, आपको ध्यान से बहुत पढ़ना है। पहले जो निर्देश होता है, निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। जैसे आपको बुकलेट मिला, ओएमआर शीट मिला, ओएमआर शीट में आपको जो भी फिल करना है उसके ऊपर उसको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है।
बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा कल से भी हो रहा है, कल क्या दो तीन दिन शायद मैं कर दिया था बेटा। चलिए क्या बताया जा रहा था कि अनुच्छेद मतलब जो भी दिशा निर्देश होते हैं, जैसे मेंटल एबिलिटी हो गया, मैथ में हो गया या हिंदी में हो गया, भाषा परीक्षण में हो गया, उसको आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसको सॉल्व करना है, उसका आंसर खोजना है, उसको करना है। जैसे इसमें 61 से 80 दिए गए हैं, प्रसाद की 61 से 80, लेकिन अनुच्छेद कितने हैं, चार हैं, और हर अनुच्छेद के नीचे पांच प्रश्न पूछे गए हैं, और उन पांच प्रश्नों के चार ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब जैसे आपका 61 ही है तो 61 के चार ऑप्शन है, 62 के ऐसे चार ऑप्शन है, मतलब उसमें से आपका करेक्ट क्या होगा, एक ही होगा। तो उसको बड़ी सावधानी से करना है, आपके पास दो घंटे का समय बहुत ही रहता है, तो सावधानी से करेंगे तभी वो साल हो पाएगा। चलिए इसमें पहला अनुच्छेद देखते हैं, ये पहला अनुच्छेद है। चलिए निहार का आप पढ़ो, निहार का यार का मेरी आवाज जा रही है आपके पास, यार का तनिष्का आप पढ़ो बेटा, यार का को नहीं आ रही मेरी आवाज, तनिष्का आप पढ़िए। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन दुष्यंत कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए जहां शकुंतला रहती थी। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गया। अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यव्रत, उत्तरी और मध्य भारत में कर लिया। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त कर ली। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य से शुरू न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांट कर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्या बेटा, देखिए हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, भरत के नाम पर ही। इसमें देखिए पहले दिया गया क्या, शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन दुष्यंत कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। मतलब दुष्यंत क्यों खोज क्यों कर रहे थे, क्योंकि दुष्यंत जो थे वो शकुंतला से क्या किए थे, गंधर्व विवाह किए थे ना। और यस यस सर, शकुंतला को क्या मिला था, श्राप मिला था कि तुम जिसके याद में कोई हुई हो, गंधर्व विवाह करने के पास पश्चात दुष्यंत क्या किए थे, शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ के चले गए थे ना कि मैं फिर आऊंगा आपको लेके जाऊंगा, ये सब बातें हुई थी, आप जानते होंगे शकुंतला और दुष्यंत की कहानी में। तो वो क्या किए, आश्रम में पहुंच गए, जब उनको याद आया, मतलब शकुंतला उनको एक अंगूठी मिली थी, जब शकुंतला ने उस अंगूठी को दुष्यंत को दिखाया था तो याद आया था ना, उनकी खोज में आश्रम में पहुंचे थे जहां शकुंतला रहती थी। मतलब दुष्यंत ऋषि के आश्रम में पहुंच गए जहां शकुंतला रहती थी। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। किसके साथ देखा, भरत को किसके साथ देखा, शेर शेर बच्चों के साथ, शेर के साथ नहीं, शेर के जो बच्चे जानते हो ना। यस सर, मतलब शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। कौन देखा, राजा दुष्यंत किसके आश्रम में देखे, दुष्यंत कश्यप आश्रम में। सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए करना है।
दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया। दुष्यंत ने जब भरत का परिचय जाना तो उसे क्या किया, क्योंकि भरत जो था दुष्यंत का ही पुत्र था ना, तो उसको क्या किया, गले लगा लिया और शकुंतला के पास गए। उसके पश्चात कहाँ गए, शकुंतला के पास, क्योंकि शकुंतला आश्रम में रहती थी ना, और आश्रम के बाहर या आश्रम के मैदान में भरत खेल रहा था। अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट आए। कहाँ लौट आए, अपने राज्य में, अपने राज्य में, राज्य का क्या नाम था, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। हस्तिनापुर में ही किसकी शिक्षा दीक्षा हुई, भरत की। यस बेटा, सभी एक साथ नहीं, एक लोग बोलो। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए, मतलब दुष्यंत के बाद, मतलब जब दुष्यंत की मृत्यु हुई या दुष्यंत ने किसको राजभार सौंपा, भरत को, तो क्या भरत के हुए हुए राजा हुए। उन्होंने अपने राज की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यवर्त, उत्तरी और मध्य भारत, आपके भारत का नाम आर्यावर्त भी है ना, आर्यावर्त भी बोलते हैं, कई नाम है आपके देश का, भारत, बहुत सारे नामों से जानते हैं आप, जो उत्तरी और मध्य भारत में कर लिया। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। ये अश्वमेध यज्ञ क्या है बेटा, अमन आप बताइए, अमन, अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ तो सभी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ दिया गया है। अनिल आप बताइए, ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या कहा गया, अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट पद प्राप्त की। अश्वमेध यज्ञ होता है बेटा, यज्ञ किया जाता है, इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा जानते हो ना, यस सर, घोड़ा, और जो यस सर, जो घोड़े को पकड़ लेता है सर, उससे युद्ध किया जाता है। यस बेटा, जैसे प्रभु श्री राम ने घोड़ा छोड़ा था ना, घोड़े को जो होता है बहुत अच्छे से सजाया जाता है, और उसके गले में माथे पर एक नेम प्लेट मतलब लिख के भेजा जाता है, या घोड़ा इसका मतलब जिसका होता है उसके नाम से भेजा जाता है, और वो लिखा जाता है कि यह घोड़ा जिस जिस राज्य में जाएगा वो राज्य उसके अधीन हो जाएगा। अगर उसको आपत्ति होती है तो उस घोड़े को क्या करता है, पकड़ लेता है, और पकड़ने के पश्चात वो उस राजा से युद्ध करता है। ऐसा होता है जैसे लॉ और कुछ ने किया था ना, उस पे लिखा था, तो उसमें लॉ यज्ञ मतलब राम से युद्ध किया था ना, पहले उन्होंने सारी अलग अलग तरह के भेजा था, अंतिम भारत को जाना पड़ा था ना, तो इसमें होता है जो घोड़े को पकड़ता है उससे युद्ध करने पड़ता है राजा से, नहीं पकड़ता है तो वो राज्य क्या होता है, जो यज्ञ कर रहा है जो राजा उसके अधीन हो जाता है, उसके अंदर हो जाता है, वो उस पर विजय प्राप्त कर लेता, बगैर युद्ध किए ही विजय प्राप्त कर लेता। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सम्राट मतलब चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य से सुदृढ़ न्याय व्यवस्था, और देखिए यहाँ पे सुदृढ़ मतलब अच्छे से न्याय व्यवस्था, न्याय जानते हो ना, अच्छे से न्याय करना, और सामाजिक सामाजिक एकता का सद्भावना स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। मतलब जो उनका शासन था विभाग, जैसे इस समय जान रहे हो ना कि आपके प्रधानमंत्री एक ही है ना, लेकिन उनके कई मंत्री हैं, yes, sir. अंदर कई मंत्री, yes, sir. और उन मंत्रियों को क्या किया गया, अलग अलग विभाग दे दिया गया है। तो प्रधानमंत्री एक ही है ना, शासन वो कर रहा पूरे भारत पर, लेकिन क्या है वो विभाग अलग अलग बांट के दे दिया है ना। इसी तरह उन्होंने क्या, भरत ने क्या किया, अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। मतलब इससे शासन प्रणाली से शासन उनका बहुत ही अच्छा था, उस अच्छे शासन से उनकी कीर्ति माने यश प्रसिद्धि सारे संसार में फैल गई।
सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। किसके पड़ा? मतलब सिंहों के साथ कौन खेल रहा था? भरत। भरत ही हमारे देश का नाम भारत। इसमें बेटा क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा और किसी को नहीं बोलना है। चलिए, इसमें दिया गया है शकुंतला किसके आश्रम में रहती थी। इसमें पहले देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ऋषिकर्ण, ऋषि कश्यप, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वाल्मीकि। हैंड शो करेंगे जिसको आता है। चलिए बेटा रुचि आप बताओ। रुचि, सौरभ आप बताइए। ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप, यहाँ देखिए पहले ही दिया गया दुष्यंत ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुंचे थे किसको? शकुंतला को खोजते हुए। यहाँ पे जो आपका है ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप। तो आप अपने OMR सीट में जो होगा उस पे 61 का 61 का बी वाला क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे, मतलब उसको काला करेंगे, यहाँ कर देंगे सर, गोला कर देंगे। 62 यस सर, गोला तो बना ही होगा, उस गोले को काला करना है, गोला नहीं करना है, गोला करोगे तो रंग हो जाएगा, गोले को क्या करना है, काला। यस सर, यस सर, देखिए काला करेंगे। दुष्यंत ने भरत को किससे खेलते हुए देखा? निहारिका आप बताइए, दुष्यंत ने भरत को किससे खेलते हुए देखा? शेर, कुत्ता, बिल्ली, भालू? सर शेर। शेर, शेर। यस बेटा, शेर के बच्चे से खेल रहा था। यस सर, शेर, शेर के बच्चे से खेल रहा था। लेकिन यहाँ देखिए अभी यही क्या होता, यहाँ पे शेर का बच्चा नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है, कुत्ता से नहीं खेल रहा था, बिल्ली से नहीं खेल रहा था, भालू से खेल रहा नहीं खेल रहा था ना, लेकिन शेर से खेल रहा था, शेर के बच्चे से ही खेल रहा था, लेकिन शेर ही हुआ। तो यहाँ पे 62 का 62 का आप क्या करेंगे, ए वाला काला करेंगे। उससे किस राज्य, किस नगर में रहते थे? इंद्रप्रस्थ, अवध, हस्तिनापुर, कौशल, विद्या? दिव्या आप रॉन्ग बता रही हो। बेटा सभी को नहीं बोलना, अपना माइक सब बंद करके रखो, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन में नहीं दिख रहा। नहीं दिख रही है, दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। बेटा आप यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, सर दिख रहा है स्क्रीन। चलिए इसमें देखिए क्या कहते हैं, दिव्या ने रॉन्ग बताया, रुचि आप बताओ, दिव्या ने कौशल बताया था। हस्तिनापुर सर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या, हस्तिनापुर। राजा जो रहते थे वो हस्तिनापुर रहते थे। यहाँ देखिए हस्तिनापुर आया, हस्तिनापुर कई बार आया, हस्तिनापुर ये एक बार के बाद हस्तिनापुर वापस लौट आए, अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह कहाँ लौट आए, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा हुई, मतलब वो हस्तिनापुर के नगर के क्या थे, राजा थे ना, और उस नगर में रहते भी थे, तो हस्तिनापुर यहाँ पे होगा। ठीक है, 64 है, हमारे देश का नामकरण किसके नाम पर हुआ? सर, सर हमें बताइए। मेटल, मेटल सर, भरत सर, मेटल। यस सर, सर भरत, भरत। किसके नामकरण नाम पर हुआ? भरत। यहाँ देखिए भरत होगा, चक्रवर्ती का अर्थ होता है
अभी बताया गया ना? यस सर। निर्माण करने वाला, जिसका राज चारों दिशाओं में फैला हो, जिसका राज्य पूरे संसार में फैला हो, जो चक्र चलाता हो। चलिए यस बेटा, अनिल बताइए। सर जिसका राज पूरे संसार में फैला हो। राम बता रहे हो? सर मैं एयरटेल। सर मैं एयरटेल। बेटा बोलना नहीं। जिसका राज जिसका राज चारों दिशाओं में फैला हो। यस यस सर ये होगा। यस सर यही सर ये होगा। जिसका राज चारों दिशाओं में फैला हो। बेटा उस समय देखो ऑप्शन भरत जो थे हस्तिनापुर के राजा थे, मतलब जैसे इस समय सर एक ही गांव के चारों दिशाओं, मतलब क्या अपने देश में फैला हो ना, अपने देश का राजा हो। यस सर। हाँ जैसे भरत हस्तिनापुर के राजा थे, तो हस्तिना भारत में जो था, भारत जो मान लीजिए आपका पहले भी जो भी देश नाम रहा हो उसमें क्या है, कई राजा होते थे, एक ही देश में कई राजा होते थे, तो उसमें अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा होते थे, तो वो क्या करते थे, वही अश्वमेघ कराए थे, मतलब चारों दिशाओं में फैला हो। इसमें पूरे संसार का मतलब क्या हो गया, पूरा विश्व हो गया ना, संसार मतलब क्या, पूरा विश्व हो गया, इसने बेटा तो ये आपका सिराव होगा। इसी तरह आपको ध्यान से देखना बेटा, इसमें आपने देखा यहाँ पे अश्वमेघ स्थापित करके क्या किया था, चक्रवर्ती सम्राट कहलाए थे ना। यस सर। मतलब तो यहाँ पे सी आपका ऐसे ही राउंड करोगे बेटा, आपको बहुत ध्यान से देखना इसका राज यहाँ पे संसार गलती संसार का मतलब पूरा संसार हुआ है, पूरा विश्व में, सपने विश्व में नहीं फैला था, ओनली यहाँ पे रहते थे आस पास। बेटा बोलिए नहीं, पूछा जाए तब बोलिए, आवाज समझ नहीं आती है, माइक बंद करो, अनिल माइक बंद करिए। यस बेटा, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, जिसका राज चारों दिशाओं में फैला, मतलब चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ क्या होता है, अभी बताया गया था ना, जिसकी वीरता और शासन चक्र क्या है, विस्तृत भूभाग, मतलब पूरे भूभाग पर अर्थात राज के चारों दिशाओं में फैला रहता है, ये होता है चक्रवर्ती का अर्थ। चलिए अब यहाँ पे अनुच्छेद दूसरा देखिए, अनुच्छेद दो। बेटा आप लोग का वीडियो नहीं दिख रहा, क्यों ऐसा क्यों है? अमन आप पढ़िए। मंगल पांडे की क्रांति से संबंधित इस आह्वान को सुनते ही अंग्रेज सार्जेंट मेजर हाउसन ने लेफ्टी बेटा ह्यूसन है आप पे बड़ा उत्तर मंत्रा या ह्यूसन। यस सर। सर ह्यूसन ने लेफ्टनेस इंड डैश बाग को लेफ्टिनेंट इंजीनियर बाग को बुलाने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट बाघ घोड़े पर सवार होकर घटना स्थल पर पहुंच गया। मंगल पांडे ने बाघ पर गोली चला दी। मंगल पांडे की इस गोली से बाघ तो बच गया, किंतु उसका घोड़ा घायल हो गया। घोड़े के घायल होने से लेफ्टिनेंट बाघ जमीन पर गिर गया, किंतु पल भर में ही एडजस्ट बाघ तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। इसी समय बाघ की सहायता के लिए सार्जेंट हुसैन भी वहां पहुंच गया। मंगल पांडे ने भी अपनी तलवार निकाल ली। दोनों में घमासान तलवार युद्ध होने लगा। अंत में मंगल पांडे की तलवार लेफ्टिनेंट इजनेस बाग धराशाही हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों से बचना मुश्किल है। तब उन्होंने अंग्रेजों का कैदी बनने के बजाय स्वयं को गोली मारना बेहतर समझा और अपनी छाती पर गोली चला दी, लेकिन वे बच गए और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला।
अंततः 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने पूरी रेजिमेंट के सामने मंगल पांडे को फांसी दे दी। चल बेटा इसमें देखिए दूसरा विच्छेद है मंगल पांडे के बारे में बताया गया। मंगल पांडे की क्रांति संबंधित इस आह्वान को सुनते ही अंग्रेज सार्जेंट मेजर जूसन ने लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बाग को बुलाने का आदेश दिया। कौन बुलाने का आदेश दिया? जूसन ने। किसको? लेफ्टिनेंट एडजुटेंट एडजुटेंट बाग, ये नाम है बेटा एडजुटेंट बाग नाम है। इसने सार्जेंट अंग्रेज सार्जेंट मेजर जूसन ने किसको बुलाने का आदेश दिया? लेफ्टिनेंट एडजुटेंट एडजुटेंट बाग को बुलाने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट बाग घोड़े पर सवार होकर घटना स्थल पर पहुंच गया। मतलब जहां पर ये घटना हो रही थी जो मंगल पांडे की क्रांति से संबंधित था ना, घटना स्थल पर पहुंच गया। मंगल पांडे ने बाघ पर गोली चला दी। अब यहाँ देखिए इसलिए बाघ शब्द आया है तो बाघ यहाँ पे एडजुटेंट बाघ पूरा नाम होगा। यहाँ पे सिर्फ बाघ दिया गया, बाघ पर गोली चला दी। पांडे की इस गोली से बाघ को बच गया, मतलब जो एडजुटेंट बाघ है वो तो बच गए, किंतु उनका घोड़ा घायल हो गया। घोड़े पर थे ना, घोड़ा घायल हो गया। घोड़े के घायल होने से लेफ्टिनेंट बाघ जमीन पर क्या किए? जमीन पर गिर गया। किन पल भर में ही एडजुटेंट बाघ तलवार निकाल कर खड़ा हो गया क्योंकि लेफ्टिनेंट था ना। इसी समय बाघ की सहायता के लिए सार्जेंट जूसन भी वहां पहुंच गया। मंगल पांडे ने अपनी तलवार निकाल ली। दोनों में घमासान तलवार युद्ध होने लगा। अंत में मंगल पांडे की तलवार से लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बाघ धराशायी हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों से बचना मुश्किल है। कौन अनुभव किया? मंगल पांडे ने अनुभव किया कि अंग्रेजों से बचना मुश्किल है क्योंकि घमासान दोनों में युद्ध हो रहा था ना, सैनिक भी आ गए थे। तब उन्होंने अंग्रेजों का कैदी बनने के बजाय स्वयं को गोली मारना बेहतर समझा और अपनी छाती पर गोली चला दी। मतलब उन्होंने समझा कि अंग्रेजों का कैदी, क्योंकि कैदी समय क्रांति कर रहे थे, क्रांतियों को क्या मिलती थी? फांसी वगैरह की सजा मिलती थी और जेल में तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। इसलिए उन्होंने अपने आप को कैदी बनने की बजाय क्या किया? गोली मार ली। कहां पर गोली मारी थी? अपनी छाती पर, अपने सीने पर। लेकिन वे बच गए और उन्होंने घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गोली तो मारा लेकिन बच गए। कौन बच गए? मंगल पांडे। और उनको क्या किया गया? घायलावस्था में, घायल की अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला। अंततः 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने पूरी रेजिमेंट के सामने मंगल पांडे को फांसी दे दी। देखिए अभी बताया ना कि फांसी वगैरह की सजा बहुत ज्यादा दी जाती थी, तो क्योंकि विद्रोह किया था ना, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। जो अंग्रेज प्रशासन था उसके खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए उनको सैनिक अदालत में मुकदमा चला था और वहीं पर ही उनको फांसी दी गई थी। अब यहां देखिए नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पहला है 66, मंगल पांडे की गोली से घायल हो गया, कौन घायल हो गया? मंगल पांडे की गोली से कौन घायल हुआ? दिव्या बताए। दिव्या, दिव्या बताओ, मंगल पांडे की गोली से कौन घायल हो गया? यस बेटा, सी ऑप्शन सी। बेटा सभी को नहीं बोलना, जिसे पूछा जाए बोले। लेफ्टिनेंट बाघ का घोड़ा, क्योंकि वो घोड़े पर, लेफ्टिनेंट बाघ जो थे वो घोड़े पर बैठ कर आए थे और जब मंगल पांडे गोली चलाए तो बाघ का घोड़ा जो था वो घायल हो गया था, वो बच गए थे, वो बचकर वो जमीन पर गिर गए थे। इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। 67, मंगल पांडे की तलवार से कौन धराशायी हो गया? चलिए अनिल आप बताइए। सर लेपिट एंड जुडे बाग, लेपिट नंबर
लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बाद नंबर बी नंबर यस बेटा, क्योंकि वो तलवार निकाल के मंगल पांडे से युद्ध करने लगे थे ना और उसी में वो घायल हो गए थे। यस सर। मंगल पांडे को फांसी दी गई, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को, 18 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857, 18 अप्रैल 1857 को। नियर का बताओ। बेटा अपना माइक ऑन करके बोलो निहारिका, क्या कर रही हो? माइक आपका बंद है बेटा, माइक ऑन नहीं करोगे तब कहां से करोगे? चलिए तनिष्का बताइए 68 का ऑप्शन क्या होगा सर? सी 8 अप्रैल 1857 याद दिया गया, 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने पूरी फांसी दे दी। 69 में तलवार का पर्यायवाची होगा करवाल, द्युत, खर, शस्त्र, क्या होगा? तलवार का पर्यायवाची, पर्यायवाची जानते हो ना, एक का अनेक अर्थ निकलता है, एक एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, उन्हीं को पर्यायवाची बोला जाता है, कहा जाता है। क्या होगा? करवाल, द्युत, खर, शस्त्र। अनुप्रिया बताइए। सर करवाल। करवाल यस बेटा, तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? करवाल। तलवार के करवाल अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? जैसे आपका खड़ग हो गया, अस्त्र हो गया, शमशीर हो गया, चंद्रहास हो गया, ये सारे क्या है? तलवार के पर्यायवाची है। मूर्छित होने का अर्थ है, मूर्छित होने का अर्थ है मर जाना, बेहोश होना, उठकर खड़े होना, लेट जाना। मूर्छित होने का अर्थ क्या है? बेहोश होना, बेहोश होना, बेहोश होना। आपका बियाला है, मूर्छित होने का अर्थ क्या होता है? बेहोश होना, मतलब जिसके अंदर चेतना नहीं रहती है, वो कुछ उसके अंदर चेतना एकदम से खत्म हो जाती, तभी तो बेहोश होता है, मूर्छित हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। ये आपका अनुच्छेद 3। देखिए बेटा आपका समय समाप्त हो रहा है, देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, प्रत्येक राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। मतलब राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, हर देश का अपना अपना ध्वज होता है, अपना अपना झंडा होता है। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, तीन रंगों वाला, मतलब इसमें तीन रंगों से मिलकर बना है, तीनों रंग क्या है अलग अलग तरह के हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, मतलब इसका ध्वज क्या है? आयताकार है, आयत के आकार का है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, जिसमें तीन रंग है, केसरिया रंग जो साहस और वीरता का प्रतीक है, मध्य में केसरिया किसका प्रतीक है? सबसे ऊपर होता है साहस और वीरता, मध्य में सफेद रंग जो शांति और सत्यता का प्रतीक होता है, जो शांति और सत्यता का प्रतीक होता है, नीचे की ओर हरा रंग जो सुख समृद्धि और विकास का प्रतीक होता है। ध्वज के बीच में 24 तीलियों का एक चक्र है जिसे सारनाथ में स्थित सम्राट अशोक के राज्य चिन्ह से लिया गया है। यह चक्र निरंतर गतिशीलता की प्रेरणा देता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे और उससे प्रेरणा प्राप्त करे। यह अनुच्छेद है बेटा। अब इसमें देखिए समय आपके पास 2 मिनट है, इसलिए थोड़ा देखिए पहला क्या 71 का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र को कहां से लिया गया है? जो बीच में चक्र है अशोक के राज चिन्ह से। यस बेटा, अशोक के राज चिन्ह से, अशोक के राज चिन्ह से, चिन्ह से। यस बेटा, अशोक के राज चिन्ह से यहाँ पे दिया गया, सम्राट अशोक के राज चिन्ह से लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 13, 23, 21, 24। सर 24। यस बेटा, आपका ऑप्शन डी सही है। स्वतंत्रता का प्रतीक क्या माना जाता है? राष्ट्रीय गान, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रगीत। स्वतंत्रता। राष्ट्रीय गान तो आपका अलग है, राष्ट्रीय पक्षी अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है, स्वतंत्रता प्रतीक होता है।
74 राष्ट्रीय ध्वज में सुख समृद्धि को कौन सा रंग दर्शाता है? सफेद रंग, लाल रंग, सफेद रंग। कैसे बेटा? सफेद तो क्या सत्ता का प्रतीक है? नो सर, सर हरा रंग शांति और सत्ता का प्रतीक है सर। हरा रंग है, हरा रंग। यस बेटा, देखिए हरा हरियाली चारों तरफ है ना, तो आपकी फसल बहुत अच्छी है, फसल बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे सुख समृद्धि, इसलिए हरा रंग होगा बेटा। सांस का विलोम होता है, कायरता वीरता है, कायरता। यस बेटा, सांस का विलोम होता है, कायरता। यस बेटा, चौथे के लिए समय नहीं बेटा, बस आपका समय समाप्त हो रहा है। तो बेटा इसी तरह आप देखिएगा, जो भी अनुच्छेद है जो भी हो उसको आप बहुत ध्यान से, जो भी क्वेश्चन आंसर होता है बहुत ध्यान से पढ़ना, पढ़ के और उसका आंसर देना बेटा आपको। चलिए बस बेटा, आज लेना है। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय।